बुलंदशहर के सयाना तहसील के गांव दौलतपुर में स्थित ग्लोरियस पब्लिक स्कूल के एमडी भोजवीर सिंह ने भवन के मालिक जयप्रकाश पर स्कूल को अच्छा चलते देख स्कूल कब्जाने का आरोप लगाया है। ग्लोरियस पब्लिक स्कूल के एमडी ने भवन मालिक से 10 वर्ष का एग्रीमेंट 2000 रुपये महीने के हिसाब से कराया। बता दें कि स्कूल को बिल्डिंग के 10 वर्ष के एग्रीमेंट के आधार पर ही मान्यता मिली थी। स्कूल के एमडी और भवन के मालिक के बीच स्कूल की प्रधानाचार्य पूजा शर्मा को लेकर विवाद हुआ था। प्रधानाचार्य पूजा शर्मा ने भवन मालिक के बेटे पर गलत दृष्टि रखने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत पूजा शर्मा ने एमडी से की थी। पूजा शर्मा के द्वारा गलत नियत रखने का विरोध करने पर भवन मालिक ने भवन के 3 कमरों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण लगभग 250 बच्चे बाहर धूप में बैठने को मजबूर है। विद्यालय चलाते कौन सा विद्यालय चलाते हैं जी? मैं ग्लोरियस पब्लिक स्कूल दौलतपुर कला में एक विद्यालय चला रहा हूँ, जिसकी मान्यता 1 से 5 तक है। और उसमें कुमारी पूजा शर्मा मेरे गांव से हैं, वो मैंने प्रबंध को रखे हैं प्रधानाचार्य। क्या विवाद है आपका ओनर का? विवाद तो का चला रहा है पहले से ही, मतलब लगभग 6 महीने हो गए। विवाद का मूल कारण तो सिर्फ पूजा शर्मा है, वो चाहता है मतलब हमारे जो बिल्डिंग मालिक हैं उनकी निगाह सिर्फ पूजा शर्मा पे हैं, वो उनसे नाजायज संबंध बनाना चाहता है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। विरोध करने पे वो बाबा मतलब विद्यालय से कहता है कि अपने विद्यालय फिर कहीं और ले जा भाई, मैं विद्यालय बिल्डिंग में नहीं चलने दूंगा। एग्रीमेंट के बावजूद भी आप एग्रीमेंट के बावजूद भी कितने रुपए महीने का एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट 2000 रुपये प्रति महीने का। अच्छा, आपने इसकी शिकायत नरसेना एसओ और पुलिस क्षेत्राधिकारी सियाना SDM साहब और मैंने DM साहब को तो अभी 17/9 को ही दिया है एप्लीकेशन। तो SO नरसेना से क्या आश्वासन मिला? SO नरसेना से तो कोई आश्वासन मिलता ही नहीं, वो तो सीधे कह देते भाई हमारे हाथ की बात नहीं है, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में मुकदमा डाल दो इसका। तो क्या उनकी ये मांग है कि पूजा शर्मा को स्कूल से निकल दिया जाए? जी जी, बार बार उन्होंने मुझसे कई बार कह चुके हैं कि उसको निकालो लड़की को, नहीं फिर हमारे ऐसे संबंध उससे कराओ। नहीं, क्या लगता है आपको, अगर आप पूजा शर्मा को स्कूल से निकाल देंगे तो आपका स्कूल चला देंगे वो? जी, स्कूल तो चलाने देंगे, मगर मैं स्कूल चलाने देने में तो बाहर नौकरी करता हूँ और मेरी क्लास चल रही है, बीएड कर रहा हूँ मैं अपनी क्लास करता हूँ। मैं तो किसी और टीचर को नहीं, इसके उचित नहीं समझता कि कोई विद्यालय चला पाए। क्या नाम आपका? पूजा शर्मा। कहाँ की रहने वाली है? गांव मवई। आपने DM को जो मंगल दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था, क्या है पूरा मामला? उनमें हमने ये लिखा है कि हमारा एग्रीमेंट हमारा 10 साल का है और उसके बावजूद भी जिनका भवन है वो निकालना चाह रहे हैं कि भाई तुम अपनी व्यवस्था कहीं और देखिए, और उसके बावजूद भी हमने दूसरी बिल्डिंग ले रखी है कुछ बच्चों के लिए, तो उसमें भी वो BSA सर को लिख कर दे रहे हैं कि मतलब कि उस दूसरी बिल्डिंग में क्लासें नहीं चलें, अब जिस भवन में है मतलब मान्यता मिली हुई है उसी में चलाएं। ये स्कूल कहाँ पे स्थित है? ये दौलतपुर कला बुलंद शहर। कितने उसकी मान्यता है क्लास तक किया? मतलब कि फर्स्ट क्लास से लेकर मतलब शिशु से लेकर 5th क्लास तक मान्यता आपके पास? जी। बताइए क्या नाम है उनका जो बिल्डिंग मालिक है? उनका नाम है जयप्रकाश शंकर सिंह। तो क्या कारण रहा कि आपके बीच विवाद हो गया है? उनका विवाद तो कुछ नहीं था, वो मेरे MD से ये बोलना चाहे बोला भी था उन्होंने, पहले मेड से कुछ कहा था, उसके बाद मैंने अपने MD से कहा घर पे जाकर, तो उन्होंने डायरेक्ट उनसे कहा अपने भाई से आके, उनके नाते में वो भाई लगते हैं, तो उन्होंने बोल दिया, फिर वो कुछ 1-2 महीने के लिए शांत रहे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी बड़ी हरकत की, मतलब मेरे बाल वगैरह पकड़ लिए थे और उन्होंने मेरा चेहरा वगैरह सब खराब कर दिया था। तब वो घर भी जाके मैंने अपने MD से कहा, उन्होंने एप्लीकेशन दी थाने में जाकर, उस चीज़ का समझौता हो गया प्रधान के द्वारा, वो समझौता हो गया हम लोगों का। उसके बाद उन्होंने फिर 13/5 में मेरे से बदतमीजी की है, मतलब फ़ोन पर मुझे गाली गलौज की। उसके बाद फिर हमारा कुछ नहीं हुआ, हमने CO सर को SO सर को सबको एप्लीकेशन दी, तो SO सर ने तो ये भी बोल दिया कि तो लड़कियों का काम है, मतलब वो तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देती चली जाती हैं, ये सज्जन आदमी है, इसको इस तरीके से ना फंसाया जाए। अच्छा, DM करता है। DM साहब के यहाँ से क्या आश्वासन मिला? DM सर को मेरे MD लेके आए हैं एप्लीकेशन वहाँ पे जाके, और अभी तक कुछ आश्वासन उन्होंने नहीं मिला है। अच्छा, BSA की तरफ से कोई कार्रवाई है? BSA सर ने हमारी पूरी वो की है, उन्होंने एक नोटिस बना के दिया है कि बिल्डिंग मालिक को कि मतलब जहाँ पर वो दूसरी जगह बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है वो उसी बिल्डिंग में चले जिसमें हमें मान्यता मिली हुई है, मगर मालिक ने उसको भी नहीं सुनी। हमने अपनी मैम से भी कहा, मतलब हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं
वो ये कहती है कि 6-7-8 तुमने एक्स्ट्रा चला रखी है, हमने वो भी बंद कर दी, बच्चों का भविष्य हमारे अंधकार में है, फिलहाल हमने उनकी व्यवस्था कर दी गई है दूसरे स्कूल में। फिर भी वो यही बात कही चली जाती है कि आपने मेरी बात नहीं मानी है तो मैं क्या सुनूंगा, आप खुद अपने मालिक से बात करें। अच्छा, ये एग्रीमेंट जो हुआ था किसके नाम हुआ था? वो मेरे एमडी हैं, उनकी मौसी के बेटे। क्या नाम है उनका? भोजवीर सिंह सनोपू धर्मवीर सिंह। आप किस पोस्ट पे हैं? मैं प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूं। गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके के फर्जी तरह से बनाए गए एटीएम के जरिए किसान के खाते से मुआवजे की रकम निकालने के मामले में उससे संबंधित ही अब तत्कालीन महिला बैंक मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला बैंक मैनेजर पर आरोप है कि 1,14,00,000 रुपए फर्जीवाड़ा कर खाते से निकालने के मामले में वह भी शामिल थी। पुलिस ने जांच के बाद तत्कालीन महिला बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। मसूरी पे मुकदमा अपराध संख्या 459/19 पंजीकृत है, जिसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान अभी हाल ही में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके पास से तकरीबन 8,00,000 रुपये बरामद हुआ। उसी में प्रकाश में आया कि इसमें जिस बैंक में खाताधारक का अकाउंट था वहाँ से किसी और के नाम पर उसका ATM कार्ड उस अकाउंट का किसी को इशू किया गया, तो इसमें बैंक के एम्प्लॉइज की भूमिका संदिग्ध पाई गई, उसी के एवज में इनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी की जांच पड़ताल की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की शुरू है। बिल्कुल संभव है, इसमें एक पूरा रैकेट है जो संभवतः नजर आ रहा है अभी, तो बिल्कुल इसमें जांच पड़ताल की जा रही है और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कि अभी जो FIR में है और ट्रांजेक्शन के थ्रू भी दिख रहा है, ये 1,13,00,000 की हेराफेरी है जो इसमें दिखाई जा रही है। विकासखंड सहसवान के ग्राम रसूला में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसी भी योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा। शौचालय बनवाने के लिए प्रधान व सचिव 500 से 2,000 रुपए लेते हैं। रिश्वत का ये पैसा गाँव का ही एक युवक लेकर ग्राम प्रधान तक पहुँचाता है। गाँव में 70% शौचालय अधूरे पड़े हैं, सफाई कर्मी भी गाँव में नहीं आता, जिसके चलते जगह जगह गंदगी का ढेर पड़ा है, जिससे गांव में बीमारियां फैल रही हैं। गांव के चारों तरफ 50 से 60 गायें घूम रही हैं और रात दिन फसलों की रखवाली करनी पड़ती है। गांव में गौशाला सिर्फ नाम की ही बनी है, एक भी पशु गौशाला में नहीं है। कौन सा गांव है? रसूला। रसूला, क्या समस्या आपकी? हमारी ये समस्या आज हमारी रास्ता है, इसमें पानी पड़ा रहता है हर वक्त। अच्छा, 8 दिन से 12 से नहीं तब भी पानी भरा है इसमें। तो इसमें तो ये देखा जा रहा है, ये तो मैं तो बहुत गंदगी है चारों तरफ, ये पानी भरा हुआ है, ये तो ये ऐसे भरा रहता है पानी? हाँ, ऐसे भरा रहता है, जब बरसात को पानी, हम बरसात में पानी में निकलते हैं साहब। बरसात पानी निकलते हो? तो इस बारे में प्रधान से बोला बनवाने के लिए? हाँ, इसका पैसा भी निकल चुका था। अच्छा, पैसा निकल गया? पक्के नाले को, पक्के नाले का वो पैसा निकल गया, पैसा भी निकल चुका है। तो और अभी बना नहीं है ये? अभी बना नहीं है। तो ये आपको कैसा पता चला कि इसका पैसा निकल गया है? अभी आप कहते हैं, जो लोग गांव के कहते हैं वो बात है कि पैसा इसका निकल गया और ये बना नहीं है अभी। बना नहीं है। तो ये रास्ता जो है, कितने घर होंगे यहाँ पर, कितने परिवार हैं जिनको रास्ता है ये? वैसे काफी लोग हैं, काफी लोग रहते हैं जो इसी से निकलते हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, ये बता रहे हैं ये सही बात है? हाँ। सारे गांव को पानी इधर ही आता है? कोई नाला बना नहीं है इसका? जब ताले ऊपर हो जाता है पानी को, तब गांव को पानी और बरसात को पानी इधर को जाता है। ये बोले खाली आगे बोले लो, ये बोले आगे ले लो, नहीं आगे बढ़े लो। एक साइड नाला बन जाना चाहिए हमारा, एक साइड हमारा ही रास्ता बन जाना चाहिए। सुधीर कुमार। कौन सा गांव है? ग्राम रसूला। तो ये जो है गौशाला यही है? हाँ यही है। इसमें कितने कुछ गाय हैं इसमें? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं। अब तक कोई गाय इसमें बनी है? नहीं नहीं भैया, जो ये बोल रहे हैं सही बात है ये? हाँ ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? ब्रजेश भैया। कौन सा गाँव है? रसूला। रसूला, हाँ जी। तो आपके गाँव में यही गौशाला बनाई है? ये मेरे नजर में तो ये दिख रही है। अच्छा, कोई इसमें गाय है नहीं? नहीं, गाय सारी कहाँ है? बाहर घूम रही है। सब बाहर घूम रही है ये? नुकसान करते हैं। लगभग कितनी गाय होंगी तुम्हारे गाँव में? 50-60 गैया होगी। 50-60 गाय है। प्रधान से इस बारे में कहा गाँव बंद करने के लिए? हाँ बोला हुआ, किसी ने बोला हुआ जरूर। अच्छा, फिर बंद नहीं, एक भी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बुलंदशहर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने दोनों बाइक चोरों को उस समय गिरफ्तार कर लिया जब ये चोरी की बाइकों को बेचने के लिए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है, किस गिरोह के
कल कोतवाली देहात पुलिस को सूचना मिली थी कि मामन रोड पर वाहन चोरों का एक अंतर्राज्यीय गैंग वाहन को चोरी के वाहन को बेचने के उद्देश्य से घूम रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त मौके से भागने में कामयाब रहा। विस्तृत पूछताछ करने पर इनसे 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ भी जारी है। कुछ मोटरसाइकिलें इसमें से दिल्ली से भी चोरी की गई हैं और कुछ मोटरसाइकिलें बुलंदशहर से चोरी की गई हैं। शेष अभियुक्त की तलाश की जा रही है और इनसे विस्तृत पूछताछ करके शेष मोटरसाइकिलें कहाँ कहाँ बेची हैं और कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जाए। सर, क्या बुलंदशहर जिले में आज से पहले भी इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? पीलीभीत के नारायणपुर में 65 वर्षीय बुजुर्ग नरेश कुमार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बीसलपुर के एक बाग में लटका मिला। वहीं घटनास्थल पर कई ऐसी चीजें देखी गई जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बुजुर्ग की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह लगभग 7:30 के आसपास एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो रामलीला मैदान के पीछे एक आम का जो बाग है उसमें एक पेड़ पर एक वृद्ध व्यक्ति की बॉडी लटकी हुई है। सूचना पर थाना पुलिस और हम लोग पहुँचे और इसी समय में उसके परिजन भी आ गए। बॉडी की शनाख्त हो चुकी है। ये नरेश कुमार हैं जो कि थाना बरखेड़ा गांव नारायणपुर के रहने वाले हैं। जाति से कुर्मी हैं। इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। परिवार वालों का कहना है कि कल ये किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने हेतु बैंक ऑफ इंडिया बीसलपुर ब्रांच आए हुए। शाम को उनके बताए अनुसार कि किसी गांव के व्यक्ति ने उनको शाम को यहाँ रामलीला मैदान में भी देखा था। उसके बाद उन्होंने पूछताछ की है, ढूंढा है, नहीं मिले। सुबह इनकी बॉडी इस तरह से प्राप्त हुई। बॉडी को उतार कर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम में जो भी होगा उसके आधार पर परिजनों से तहरीर लेकर कार्रवाई की जाएगी। नाम प्रवेश कुमार है। ये जो फांसी पे लटके हैं कौन है आपके? मेरे पापा हैं। अच्छा, क्या मामला है, कैसे, कुछ जानकारी है? ये कल आए थे सर लिमिट लिपटाने के लिए घर से और कल निकल वो 10 बजे के से आए थे। 7 बजे बैठे रहे यहाँ, फिर आए आगे बैंक में आ रहे सर बैंक में आए। फिर सर शाम को देखा घर पे नहीं आए। फिर हम लोग ढूंढने लगे, अब घर पे नहीं पहुँचे। अब यहाँ फिर ढूंढने आए, अब देखा ये हो गया।